सोलन शहर में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कुछ वार्डों में पानी तीसरे दिन तो कई क्षेत्रों में चौथे और पांचवें दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण उठाऊ पेयजल योजना का नदी में आई गाद के कारण ठीक से काम न करना है। गाद के कारण नदी से पानी बहुत कम उठ रहा है, जिसके चलते टैंकों में पानी की कमी हो चुकी है। यही कारण है कि शहर में पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब नगर परिषद के पार्षद मुकेश वर्मा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं और पानी के मुद्दे पर नगर परिषद को विफल घोषित कर दिया है। मुकेश वर्मा ने बताया कि शहर वासियों को पानी समय पर उपलब्ध करवाना नगर परिषद का दायित्व है, लेकिन नगर परिषद पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं कर पा रही है। शहरवासी पानी की किल्लत से बेहद खपा हैं, जिससे साबित होता है कि पानी की सप्लाई को लेकर नगर परिषद पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शहर में जल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी पार्षदों के साथ एक आपात बैठक कर रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन कोई बैठक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नगर परिषद शहरवासियों को बार बार हाथ धोने की सलाह दे रही है और दूसरी ओर पानी की सप्लाई शहर में नहीं हो रही है, जिसके चलते जहां पानी की किल्लत से शहरवासियों को जूझना पड़ रहा है, वहीं संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा भी पानी का विकराल जो पोजीशन बनती है वो जून और जुलाई के महीनों में हमेशा हर साल आती है, लेकिन हम जिस प्रकार की बीमारी से आज जूझ रहे हैं, बार बार सैनिटाइज करना, हाथों को बार बार धोना, तो उसमें पानी की बहुत जरूरत रहती है। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था को पब्लिक के लिए अच्छे ढंग से निभाना हमारा काम है नगर परिषद का, जो कि फेलियर है। आज तीसरे दिन पानी आ रहा है, कई जगह तो पानी नहीं भी आ रहा है। पानी की जो सप्लाई है वो पानी का प्रेशर नहीं है, तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह से किस तरह से हम इस बीमारी से लड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ भी हम और नगर परिषद सारे मिलकर प्रयास करें भी इस पानी की समस्या को जो है वो हम दूर कर सकें और लोगों को साफ व स्वच्छ जल उपलब्ध करवा सकें। मैं आपके माध्यम से नगर परिषद और नगर परिषद के सभी काउंसलर्स और जितने भी वहाँ पर इंक्लूडिंग मी, हम सबको एक साथ कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़े कि ताकि पानी की सुचारू रूप से आपूर्ति पब्लिक को मिलती रहे। अभी फिलहाल जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है। अगर यही विकराल स्थिति आने वाले दिनों में भी रहती है तो संक्रमण फैलने का खतरा बराबर बना रहेगा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने इस मामले पर अपने ही पार्षद मुकेश वर्मा को घेरते हुए कहा कि उन्हें अभी कुछ वर्ष ही नगर परिषद में हुए हैं और उन्हें कार्यप्रणाली का सही ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था सोलन में बहुत बेहतर है और शहर में सभी को बराबर पानी क्रमवार मिले, इसके लिए दिन सुनिश्चित किए गए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि नदी में गाद आने के कारण पानी उठ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की आपूर्ति शहर में की जा रही है। उन्होंने बताया कि गाद की समस्या को भी दूर करने के प्रबंध कर दिए गए हैं, जल्द ही इस गाद से भी छुटकारा मिल जाएगा। नगर परिषद में पिछले 11 महीने में पानी का आवंटन बहुत अच्छी तरह हुआ, सप्लाई ठीक थी, कहीं से भी कोई कंप्लेन नहीं थी। जैसे ही हमारा जुलाई महीना आता है तो पानी की काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसका कारण ये है कि जो जब डिस्ट्रिक्ट शिमला में बारिश होती है तो गाद हमारी गिरी में आ जाती है और आईपीएच विभाग पानी को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। जब पानी लिफ्ट नहीं होता तो हम आगे उसको आवंटित नहीं कर सकते। अभी तो पानी की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, हम तीसरे या चौथे दिन पानी दे ही रहे हैं और लोगों ने पर्याप्त मात्रा में इसका भंडार भी किया होता है। मुकेश वर्मा जी जो वार्ड नंबर 7 के काउंसलर हैं, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो पानी का वो ठीक से नहीं कर रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब उन्हें क्या बताएं, अभी इस साल काउंसलर बने, पानी की सप्लाई मेरे हाथ में तो नहीं है या मैं कीमैन भी नहीं हूँ। जितना पानी होगा उस आवंटित होता है, उसके रजिस्टर बने होते हैं, किसकी लाइन कब खुलनी है ये रजिस्टर है, ऊपर उसको चेक किया जा सकता है कि ये ना तो इस पर मेरा कंट्रोल है ना यू का कंट्रोल है। बारी बारी सबको जैसे जैसे जिसका अधिकार है, जैसे जैसे उनकी बारी आती है वो आवंटित कर दिए जाते हैं। किसी को नहीं देना ना तो मेरा ऐसा तात्पर्य है, ना ही मैं ऐसा करता हूँ।
कि किसी को पानी क्यों ना दिया जाए, जिसकी बारी है उसको उस बारी के तहत मिल जाता है। हाँ, कई बार एक आधे दिन का ब्लॉक लग जाता है,